हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, बोहर मॉडल ऑफ एन वन इलेक्ट्रॉन एटम। वन इलेक्ट्रॉन मींस हाइड्रोजन लाइक एटम। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के हमने दो लेक्चर किए। फर्स्ट में हमने क्वांटम स्टेट ऑफ एन एटम किया था एंड सेकंड में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा किया था। थर्ड है बोहर मॉडल ऑफ एन वन इलेक्ट्रॉन एटम। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में जैसे मैंने कल बताया था, जब तक आप दो लेक्चर अच्छे से नहीं करेंगे, थर्ड ये वाला अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये एक दूसरे से लिंक होते हैं, जो उसमें इक्वेशंस यूज हुई थी वो इसमें भी होंगी। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ये हमने ऑर्बिट ले लिया, इसका चार्ज है प्लस ZD, इलेक्ट्रॉन एंड R इज द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। एंड V क्या हमारा इसके अंदर स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। फॉर ए न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। एंड फॉर सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, हीलियम एटम के अंदर हमारा एटॉमिक नंबर होता है 2। फॉर ए डबली आयनाइज्ड लिथियम एटम, लिथियम एटम के अंदर हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। द कंडीशन फॉर मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैकेनिकल स्टेबिलिटी, इसमें मैकेनिकल स्टेबिलिटी क्या है? इट इज़ द लार्ज एरिया ऑफ द मैकेनिकल टास्क फोर्स। इसमें यूज किया गया है, दिस इज कॉलम फोर्स। कॉलम फोर्स क्या होती है? 1/4πε0 ZD न्यूक्लियस ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रॉन अपॉन रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट इक्वल टू mv² / r। This is centripetal force। ये जो equation है ये याद रखें, ये आगे बहुत सारे questions में आगे use होगी, most important equation। According to the laws of the classical mechanics, an electron in an atom moves in a circular orbit around the nucleus, जिसका चार्ज प्लस ZD, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलम फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। अब हम इसमें क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। एंगुलर मोमेंटम MVR, जो कि MVR के इक्वल एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2π। L को हम MVR भी लिख सकते हैं, मोमेंटम मल्टीप्लाई दैट डिस्टेंस ऑफ the rotational axis। तो L equal to MVR equal to NH upon 2π। तो इसमें से हमारा MVR equal to NH upon 2π। V की वैल्यू इसमें से हमारी आ जाएगी NH upon 2π MVR। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और N की वैल्यू हमारी 1, 2 and 3 इन सो ऑन। अब V की वैल्यू निकाल ली हमने, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए R की वैल्यू। R की वैल्यू निकालने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि थी 1/4πε0 ZD² / r² इक्वल टू mv² / r। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसको इक्वेशन नंबर 2 को जब हम फर्स्ट के अंदर रखेंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आएगी? इन सब को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यागी ZD² इक्वल टू R से स्केयर कैंसिल, 4πε0 mv² r, ये वाली वैल्यूज आ गई। अब हमने V की वैल्यू निकाली थी, V की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, ZD² इक्वल टू 4πε0 mr v स्केयर। V की वैल्यू थी NH upon 2π mr।
इसका हॉल स्केयर। इस स्केयर को हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, क्या आ गया, एन स्केयर एच स्केयर अपॉन 4 पाई स्केयर एम स्केयर आर स्केयर, जो इसमें से कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट इस तरह से। एंड इसके बाद जेड ई की, जेड ई स्केयर की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम आर, ये हमारी जेड ई स्केयर की वैल्यू आ गई। इसमें से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, ये रही हमारी आर की वैल्यू को इस साइड लेकर जाएंगे तो वैल्यूज आ जाएगी हमारी आर की, एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्केयर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आर की वैल्यू आ गई हमारी, वी की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम जो थर्ड इक्वेशन निकाली है इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे, ये थी हमारी वी की, एन एच 2 पाई एम आर। इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 के अंदर इस तरह से पुट कर देंगे तो हमारी वी की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी जेड ई स्केयर अपॉन 2 एन पाई एप्सिलॉन नॉट। वेलोसिटी, वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती, वैल्यू क्या होती है हमारी, 2 × 18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द लार्जेस्ट वेलोसिटी पॉसिबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेट अस नाउ कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन मूविंग इन वन ऑफ अलाउड ऑर्बिट। टोटल एनर्जी को हम यू क्या हमारी पोटेंशियल एनर्जी, एंड के क्या हमारी काइनेटिक एनर्जी। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, इज द टोटल एनर्जी। इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी क्या रखेंगे, देन द पोटेंशियल एनर्जी एट ए फाइनाइट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द वर्क डन इन द रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आर से हम इन्फिनिटी तक रखेंगे। अगेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यूज हुआ इसमें, जो वैल्यूज हमने जो शुरू में निकाली थी वही वैल्यू ली गई है, बट इसमें माइनस साइन क्यों आया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होता है, टू पार्टिकल्स जो कि ऑपोजिट चार्ज होते हैं, अगर व्हेन टू पार्टिकल्स हैव ऑपोजिट चार्ज, इसलिए इसके अंदर हमने नेगेटिव साइन यूज किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी आर टू इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू विद रिस्पेक्ट टू डी आर, एंड इसकी वैल्यू हमारी ये निकल के आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो दिस इन दिस टर्म तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारी जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, इन दोनों को प्लस कर देंगे जो हमने वैल्यूज यहाँ पे निकाले हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसमें नेगेटिव साइन यूज था इसलिए हम इसको माइनस करके लेके आएंगे, तो ये हमारी टोटल एनर्जी निकलगी जेड स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जो इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन 3 क्या थी हमारी, आर की वैल्यू थी, आर की वैल्यू क्या थी हमारी उसके अंदर, एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्केयर। उस आर की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, टोटल एनर्जी जेड ई स्केयर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर जो हमारा नीचे की तरफ है, तो ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी पाई एम जेड ई स्केयर अपॉन एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट, एंड इन सभी को कैंसिल आउट करके इन सभी को कैंसिल जो भी होता है उसमें से निकल के ये वैल्यूज आ जाएगी एम
z square is की 4 upon 8 epsilon naught का square n square h square. This is equation number 5, n equal to 1, 2 and 3 and so on. ये हमारे आगे total energy of the n state. इसमें हम values put करेंगे m की वैल्यू क्या होती है हमारी 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम एंड e की वैल्यू क्या होती है हमारी 1.60 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारी 8.85 × 10⁻²⁰ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट की हमारी वैल्यू क्या होती है 6.63 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड. इन सभी वैल्यूज़ को हम इसके अंदर जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे फॉर n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 के लिए तो हमारी e1 की वैल्यू हल निकल के आएगी −21 × 0.7 × 10⁻¹⁹ जूल जो कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आएंगे तो −30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है हमारा 1.60 × 10⁻¹⁹ जूल. इसी तरह से हम E2 की वैल्यू उसी में से निकाल लेंगे n इक्वल टू 2 पुट करके. इन सारे इक्वेशन को पुट करके इक्वेशन आ जाएगी हमारी वैल्यू आ जाएगी हमारी −3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरह से E3 की वैल्यूज आ जाएगी हमारी −1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसी तरह से E4 की वैल्यू आ जाएगी हमारी −0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस ऑन और भी निकाल सकते हैं. हमने चार स्टेट की वैल्यूज निकाली हैं. ये सारी एनर्जी है जो सारी एनर्जी हमारी नेगेटिव के अंदर है. अब हम n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी तक जाएंगी वैल्यूज. ये n की वैल्यूज तो हमारी इंक्रीज हो रही है बट जो एनर्जी इसकी वैल्यू है वो अप्रोच कर रही है जीरो तक, वो मोर नेगेटिव होती जा रही है. इसके अंदर में ये था, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए ये सारी एनर्जीज. टर्म वैल्यू क्या होती है जिसको हम डिनोट करते हैं टी एन से. जो हमारी एनर्जी होती है टोटल nth स्टेट की उसको हम डिवाइड कर देंगे −hc से, वो हमारी टर्म वैल्यू के इक्वल होगा. एनर्जी की वैल्यू क्या थी हमारी टोटल एनर्जी की mz²(e^4)/8ε₀²(n²)h. जो e की वैल्यू है उसको हम by −hc कर देंगे. ये इस तरह से ये वैल्यू h था इसमें h³. हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/n² को हम इस तरह से, इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. जो हमारी tn की वैल्यू आ गई, ये जो इक्वेशन थी इसको छोड़ के ये एंड ये किसके इक्वल होता है, ये होता है रेबर्ट कांस्टेंट. इसको हम यूज़ करते हैं सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एंड आर इन्फिनिटी फॉर ऑल एटम्स. हम इसमें आर इन्फिनिटी यूज़ करेंगे क्योंकि ये सभी एटम्स के लिए है. तो ये आर इन्फिनिटी z²/n². दिस इज़ दी टर्म वैल्यू. अब हम इसकी ट्रांजिशंस निकालेंगे. ओरिजिन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, वन इलेक्ट्रॉन मीन्स हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक स्पेक्ट्रा. जो e की वैल्यू है हमने टर्म वैल्यू में क्या किया था, जो एनर्जी थी उसको हमने −hc से डिवाइड कर दिया था. लेकिन जब हम एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें hc को मल्टीप्लाई कर देंगे. इस तरह से हमारी वैल्यूज है. कल के लेक्चर में हमने वेवलेंथ की वैल्यू निकाली थी
रेबर्ड फोर हाइड्रोजन के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 1 वेवलेंथ निकाली थी, रेबर्ड कांस्टेंट इनटू फाइनल स्टेट माइनस 1 अपॉन द इनिशियल स्टेट्स। अब ट्रांजिशंस देखेंगे इन सभी सीरीज की, n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमने ये n की वैल्यू स्टेट लिखी है। ट्रांजिशन लेमन सीरीज में n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, जैसे हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, ये फर्स्ट सीरीज होती है, ये सेकंड सीरीज होती है, ये थर्ड सीरीज होती है, फोर्थ सीरीज होती है हमारी ब्रैकेट सीरीज एंड द फाइव सीरीज इज फोन सीरीज। फर्स्ट लेमन जो कि n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होती है, ये हमारी इनिशियल स्टेट होती है जिसके ट्रांजिशन जाएगी इनिशियल टू फाइनल, इस तरह से ये हमारी लेमन सीरीज की ट्रांजिशंस। इसके बाद आती है सेकंड बाल्मर सीरीज जिसकी n की वैल्यू होती है हमारी 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इसकी ट्रांजिशन 3 इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इस तरह से हमारी ट्रांजिशंस आएंगी। इस सीरीज को बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इसके बाद आती है हमारी थर्ड पार्शियल सीरीज जिसमें हमारी n की वैल्यू क्या होती है 4 से स्टार्ट, n की वैल्यू 4, 5, 6 एंड सो ऑन, कितनी ही स्टेट हम निकाल सकते हैं। इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इस तरह से ये हमारी इनकी ट्रांजिशंस हो जाएंगी। इसी तरह से हम इनकी भी निकाल सकते हैं और स्टेट लिख लें, या n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, तो हमारी इसके अंदर n की वैल्यू 5, 6, 7 होती है, एंड p फंड के अंदर हमारी n की वैल्यू 6, 7, यहाँ से 6 से स्टार्ट होगी एंड n इक्वल टू 5, इस तरह से हमारी ट्रांजिशंस फाइनल टू इनिशियल स्टेट्स तक आ जाएंगी। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।